कैसे हो दोस्तों, आप सबका स्वागत है RRD ब्लॉग्स पे और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अपने हालचाल बताओ भाई, कैसे हो आप सब लोग। तो भाई अभी जा रहे हैं पापा की बाइक लेने के लिए, सेकंड नवरात्रा है और बाइक की 15 दिन की वेटिंग थी, लेकिन जैसे तैसे करके आज पूरी करवा ली है। तो बाइक पे हमें कोई भी ऐसा लोन वगैरह नहीं लिया, हम बाइक को सीधा मतलब कैश में परचेज़ कर रहे हैं। और पापा को मैंने अभी बोला कि भाई मतलब बता दिया कि हाँ आपके लिए बाइक ली है, देखी है, रेड कलर की है और चलो देखने चल रहे हैं, रेड कलर की ही लेंगे हमने ऐसे बोला है। तो अभी देखते हैं पापा के क्या रिएक्शन होते हैं। उनको ये नहीं बोला कि भाई आज लेके आ रहे हैं, ये बोला है कि भाई लेने जा रहे हैं, मतलब कि ले लेंगे, आज डाउन पेमेंट करके ऐसे बोला, लेकिन ये नहीं पता कि आज ही ले रहे हैं। तो है तो ब्लैक कलर ही जो पापा को पसंद है, लेकिन हमने भाई रेड बताया। तो अभी रिएक्शन देखते हैं कैसे रिएक्शन है, गाड़ी में बैठते हैं। वैसे इतना कैमरे पे मेरे फादर आते नहीं हैं, लेकिन ट्राई करते हैं कुछ ना कुछ कैचअप करने की। तो अभी हम गाड़ी से जा रहे हैं और मिलते हैं आपको सीधा। फिर लॉक कर दिए थे पूरे उस दिन भाई, वो न्यूकर थी, गणेश भी न्यूकर था कदे। पापा कलर मेरा कौन सा बढ़िया रहेगा, लाल भाई, काला कलर सबसे, लाल ही कलर मिला उनके पास, ले लिए भाई। मैं तो फिर चलाऊं नहीं ना, मैं लीली चलाऊं ना मैं लाल चलाऊं। लाल कलर बढ़िया है, पीला कलर बढ़िया है ना, ये दो कलर सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग में उसके। कोई बात नहीं, अपनी ट्रेंडिंग ना अपने दूर रखी है। देखा मतलब कि पापा बिल्कुल ही ऐसे हो गए, मतलब चाहिए तो ब्लैक चाहिए, नहीं तो नहीं चाहिए। तो भाई अभी फाइनली आ चुके हैं अपना TVS के शोरूम में, दिखाता हूँ। अभी तक तो ये है कि भाई पापा को यही बोला कि भाई बाइक देखने के लिए जा रहे हैं, लेकिन इनको नहीं पता वहाँ पे अभी बाइक खड़ी होगी। पापा ने बिल्कुल मना कर दिया बाइक चलाने के लिए, पापा कह रहे नहीं तू भी चला, मैं तो गाड़ी में आराम से आऊँगा। तो ठीक है भाई, इस नई नवेली बाइक को लेके चलते हैं घर पे। अब इसमें सबसे पहले पेट्रोल फिल कराना है, क्योंकि जो ये कह रहे हैं कि हमने 1.5 लीटर डाला है, क्या घोड़ा छपा हुआ था यार। कैसी लग रही है बाइक ये कमेंट में जरूर बताना भाई, मुझे तो बड़ी प्यारी लग रही है भाई, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ। तो भाई हम गड्ढों वड्ढों में आज इसको हर चीज़ में चेक कर लेंगे। हाय हाय पानी, तो पानी में जाएगी मेरी BMW भी। मैं जब लेके आया था बाइक को तब भी बहुत तेज़ बारिश हुई थी, वो भी ऐसे ही भीग गई थी। आज ये दूसरी बाइक लेके आया, इसमें भी ये भी पानी में ऐसे ही पूरा भीगती हुई चल रही है। बारिश नहीं है, बस ये शुक्र है। बस वाले को जाने दो, ये बहुत तेज़ भगाते हैं, ये बहुत तेज़ तूफान बना देते हैं। तो हमने भाई निकाल लिया है यहाँ पे आगे बस वाले से, और ये घमासान युद्ध चला था काफ़ी देर तक, मतलब कि मैं ऐसा पूरा मिट्टी 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 कर दिया था, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मैंने बाजी मार ली और हमारी राइडर पूरा मतलब कि सबको काटते हुए इधर उधर, ओ माय गॉड, इतना बड़ा पहाड़ भी चढ़वा दिया भाई आज तो। ये देखो भाई अंत लेवल मजा आ रहा है भाई बाइक चला। ये देखो भाई ट्रैफिक 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 को चीरते फाड़ते भाई बाइक जा रही है। ये इधर भी ट्रैफिक लगा हुआ भाई, इधर भी नहीं रुकेगी भाई ये बाइक जाए। चलो भाई चलो,
और हमारी बाइक सबसे आगे। वैसे ये लास्ट दो तीन ट्रक बचे हुए हैं, फिर हमें रोड खाली मिलेगा, फिर इसको थोड़ा सा भगा के टेस्ट करके देखेंगे, 100 तक तो टच करके देखेंगे कि भाई कितनी जाती है एक बार। तो भाई ये लो, चल धन्नो, वाह। और ये फोर्थ गियर हमने लगा दिया है बाइक के अंदर, और ये 80 के आसपास है, 78। तो भाई ट्रक से निकालने का सबसे बड़ा, चल भाई देखते निकलती नहीं, निकल गई भाई, निकल गई है। थर्ड गियर 70 है, फोर्थ गियर 91, बस यार बस इससे ज़्यादा नहीं अभी, क्योंकि नई नई बाइक है और अंधेरा वैसे ही है, तो भाई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मतलब इस छोटी बाइकों का जो मज़ा प्यार से आराम से चलाने में ना, वो भगाने में है नहीं, वो भागेगी नहीं यार, वो इतना भगाओगे कहाँ उसको। जो भगाने वाली बाइकें हैं उनमें मज़ा आता है भगाने में, तो ये तो स्वीट सी बाइक है यार। और भाई मैंने ये अपने YouTube के मनी से ये बाइक ली है, तो भाई दिल को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, और जब पापा को जब चीज़ दिलाई है तो भाई बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आज तक यार उन लोगों ने हमें बहुत कुछ दिया है यार, हमें बड़ा करा है, हमने जो चीज़ मांगी साइकिल बाइक हमें सब दिलाया है, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैंने अपने पापा को बाइक दिलाई है, तो भाई मतलब कि दिल से अच्छा लगा, पापा ऐसे देख रहे हैं वाह मैं इसको चलाऊँगा। तो अभी मैं यहाँ पर बाइक को रोकता हूँ आगे चल के, और पापा का वेट करता हूँ, पीछे गाड़ी लेके आ रहे हैं, मतलब जो शहर है नरेला वो पूरा क्रॉस कर दिया है, अब यहाँ से बस अपना घर ही है सीधा सीधा, तो पापा इसको इजीली चला के ला सकते हैं। भाई नई बाइक का थोड़ा सा ऐसे होता है ना कि भाई हाँ अटपटी सी लगती है, तो यहाँ पे इजीली चला लेंगे, उनको दूंगा मैं बाइक चलाने के लिए, फिर देखते हैं उनके रिएक्शन कैसे होते हैं। भाई अब नई बाइक है भाई, घर तो वही लेके जाएंगे, मैं तो नहीं लेके जाने वाला है ना। तो भाई हम तो आ गए वापसी गाड़ी में, और अभी मतलब वही बात है कि भाई जिसकी बाइक वही ग्रह प्रवेश कराएगा। तो अभी ये देखो पापा आगे आगे बाइक लेके चल रहे हैं, दिखा भाई। ठीक है, आज मतलब राइडर बना दिया, मतलब मेरे वाला हेलमेट पहन लिया, ऊपर से गोप्रो लगा दिया, वो भी चालू है तो फुल राइडर भाई, राइडर है, राइडर चल रहा है आज तो। ग्रह प्रवेश हो चुका है बाइक का, और मतलब कि देखते हैं कल सुबह देखते हैं पापा के क्या क्या रिएक्शन रहते हैं। सबसे पहले तो पापा बाइक वही साफ करने पे लगेंगे, क्या हूँ भाई, वो हमेशा होता है कि उनके पास पुरानी बाइक थी तो उसको भी बहुत चमका के रखते थे और नई जैसी लगती थी, अभी भी वो इतना यूज़ करने के बाद भी। और भाई मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने अपनी जो मेरी सबसे पहली इनकम आई है वो मैंने अपनी सारी की सारी यहाँ इकट्ठा करके बाइक में लगा दी, और पापा को एक अच्छा सा गिफ्ट दे दिया। अब भाई आत्मा को बहुत अच्छा लग रहा है, आई मीन मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि भाई ऐसा करने पे। और मतलब कि आप लोगों ने क्या क्या करा है, मतलब कि जिनके YouTube चैनल है, तो भाई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ऐसा मैंने इसलिए करा है क्योंकि भाई आई लव माई डैड, और उन्होंने इतना मेरे लिए करा है, तो भाई मेरा कुछ करना बनता था, क्योंकि मैं कहीं पे बाहर जाता था 10-10, 15-15, 20-20, 25 दिन के लिए मैं बाहर रहता था बाइक राइड पे, तो भाई वो अपने दिल पे पत्थर रख के रखते थे कि भाई एक ही मेरा बच्चा है और वही ऐसे बाइक पे गया। मतलब सब की मम्मी पापा सबके परेशान होते हैं, और भाई मेरी मम्मी तो है नहीं, तो वो 2008 में गुजर गए थे, तो तब से पापा ने बहुत अच्छे से पाला, उस टाइम पर मैं पढ़ाई कर रहा था, और इतना बड़ा करा है, हमारी सारी की सारी जितनी भी इच्छाएं थी वो सारी पूरी करी है। तो भाई इसलिए मुझे मेरा करना बनता तो आगे में लाइफ में ऐसा करता रहूँगा। तो भाई कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, और इस बाइक के ऊपर मेरे को वीडियो बनानी चाहिए, कौन कौन सी वीडियो बनानी चाहिए, माइलेज की वीडियो या टॉप स्पीड की वीडियो। टॉप स्पीड की वीडियो अभी नहीं बना सकते, जब पहली सर्विस हो जाएगी उसके बाद टॉप स्पीड की वीडियो बना सकते हैं, लेकिन इसके फीचर्स क्या क्या है और मैंने इस बाइक को क्यों परचेस करा, मतलब कि इस सेगमेंट में बहुत सारी बाइकें थी, पल्सर भी थी, बजाज पे भी जा सकता था, बहुत सारी अच्छी बाइकें आती हैं, तो एकदम से नई बाइक लॉन्च हुई तो मैंने इसी को क्यों बुक करा के लिया। और अभी वेटिंग चल रही बाइक पे, कम से कम 10 से 15 दिन की, हफ्ते भर की वेटिंग तो है ही है भाई बाइक पे, जहाँ अवेलेबल मिल रही भाई ले लो, क्योंकि
बहुत प्यारी बाइक है, बहुत अच्छी बाइक है। और जो अभी नहीं ले रहा तो अगले साल ले लो। इसका एक और मॉडल आने वाला है जो कि वॉइस कमांड से मतलब कि आप उसको ऑपरेट कर सकते हो, ऐसा कुछ है जो TVS बता रही है। तो भाई खुश रहो, आबाद रहो, घूमते रहो, क्या पता कल होना हो। बाय, टेक केयर।